देखिए, अभी तक जो भी बच्चे आए सभी बच्चे सुरीले हैं, बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि सबसे खुशी इस बात की है कि भागलपुर महोत्सव में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं, वे बहुत मेहनती हैं और बहुत लगन से गा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जाते रहता हूं देश में, पूरे कई जगहों पे, अभी महुआ चैनल पे आप देखेंगे मैं आते रहता हूं, तो मैं देखता हूं उस नज़रिए से कि छोटा शहर हो या बड़ा शहर, वो मायने नहीं रखता है। बच्चे जो आ रहे हैं वो लगन से आ रहे हैं, पहला अनुभव है भागलपुर के लिए मेरा, और लगन से आ रहे हैं। बाकी कितने वो दिखाएंगे ये हम लोग देखेंगे, लेकिन ये इतना देखने के बाद ये अनुमान जरूर लग रहा है कि टैलेंट है बच्चों में और शुरुआती दौर है, पिछले 14 सालों से ये करा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इनको सपोर्ट मिलता रहे तो ये ज़रूर आगे निकलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ आकर हम डांसर बनना चाहते हैं। हम यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आप पर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ से आगे ज़रूर बढ़ूँगी। मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी डांसर बनूँ। हाँ, यहाँ पे ये बहुत सालों से हो रहा है ये महोत्सव, और हम लोग यहाँ जिस सबसे हो रहा है, हम जब से आ रहे हैं तो बच्चे को आगे जाने का मौका मिलता है। यहाँ सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग है, फैशन शो है, मॉडलिंग है, डांस है, गाने हैं, सारे होते हैं, और बच्चे इंजॉय भी करते हैं और वो आगे भी बढ़ सकते हैं इसके थ्रू। प्लेटफॉर्म है और बच्चों को जैसे स्टार्ट तो कराना ही होता है ना कहीं से, पहले अपने शहर में भी करेंगे और जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, हर प्लेटफॉर्म बड़ा ही होता है। बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म ये बच्चों के लिए, और हम ये चाहते कि हर साल हो और मेरी बच्ची आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। यहाँ से तोरसा शर्मा और स्वस्ती नित्या भी बन के कुछ निकली है, और से मेरा मानना है कि मेरी बच्ची भी कुछ बन के निकले। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे अपना प्रतिभा को दिखाते हैं, और मैं 4 साल पहले से करवा रही हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है और इस बार ये फर्स्ट टाइम मेरी छोटी बेटी है। ये यहाँ से भागलपुर महोत्सव से प्राइज भी लेके गई है, सेकेंड प्राइज यहाँ से, तो इसीलिए इस बार मैं इसको लाई हूँ। तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये देखती हूँ क्या करके यहाँ से निकलती है। यहाँ से स्वाति नित्या तोसा सरकार ये एक सिंगर के रूप में निकली है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे कुछ करें। देखिए, यहाँ जो मैंने देखा है जिस तरह से जजेस आए हुए हैं, बाहर से काफ़ी सारे जजेस आए हैं, और उम्मीद है कि निष्पक्ष निर्णय होगा और काफ़ी सारे प्रतिभागी बहुत टैलेंटेड हैं। और जैसा डांस का और गायन का प्रतियोगिता आज हो रहा है, प्रतिभागी लोग भाग दे रहे हैं, उसमें उम्मीद है कि जो है निष्पक्ष न्याय होगा और सही प्रतिभागियों को चुना जाएगा। और उम्मीद है, जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ उससे लगता है कि आगे भी इन लोगों के मतलब उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है, और जो प्रतिभागी यहाँ चुने जाएंगे उनको आगे भी मौका मिलेगा।